हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम क्लास 11 का टॉपिक लाए हैं पीरियोडिक फंक्शन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल फॉर्म को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो कुछ समय के बाद अपना जगह फिर रिपीट करे, जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद फिर वापस यहीं पर आया, तो ये क्या इस तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि इसको यहाँ छोड़ेंगे फिर कुछ समय लगा, कुछ समय उसको वहां गया, यहाँ गया, फिर वहां के बाद यहाँ आ जाते। ऐसा जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसा फंक्शन जो रिपीट करे अपने आप को उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को खुद रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि अगर ये ग्राफ लेते हैं तो यहां जीरो है, देखिएगा वोल्टेज बढ़ेगा तो ग्राफ जैसे बढ़ेगा, फिर एक टाइम से पीक पर जाएगा मैक्सिमम पर, फिर घटेगा। फिर देखिए एक समय बाद फिर अपन यहाँ पर आया जीरो पर, यहाँ जीरो, फिर घटेगा। जो साइन और कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ होता है। तो हम लिख सकते हैं नोट में पीरियोडिक फंक्शन और साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ फिक्स्ड टाइम पीरियड। इसमें यहां पर होता है जीरो, यहां पर टी बाई टू और यहाँ टी, ये इसका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको और समझ सकते हैं इससे जो हम बांधे हैं। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे या फिर ये वाला समझिए कि यहाँ पर एक बॉल है, लटकाए हैं। अब ये बॉल जब यहाँ हम करेंगे तो यहाँ से फिर बॉल आएगा। तो देखिए जब बॉल यहाँ से ट्रेवल करेगा तो वापस फिर ऐसे करेगा, फिर वापस यहाँ आए तो अपना जो जगह है उसको रिपीट कर रहा है, इसलिए उसे बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका हम प्रूफ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखते हैं। हम जानते हैं कि एसएचएम में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो हम जानते हैं इन एसएचएम SHM क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, ये वाला है, तो इसको यहाँ पर इसका क्या है, ये वाला बीच में जो है ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। इसका मीन पोजीशन से फोर्स लगा के इसको मीन पोजीशन से जितना दूर हम डिस्प्लेस करेंगे, इसको फोर्स लगा के जितना दूर हम इधर से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये वाला मीन पोजीशन से दूर जाएगा। तो जितना फोर्स लगाएगा उतना जाएगा, इसलिए बोले हैं कि फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, और कितना फोर्स लगेगा इसको खींचे, पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। आप चाहे तो पिछले क्लास में डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ है, समानुपाती है एक्स, हर समानुपाती है स्थिरांक में टूटता है कॉन्स्टेंट में, तो एफ बराबर माइनस के एक्स, इक्वेशन वन मान लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट एफ बराबर एम ए,
न्यूटन का नियम, एफ बराबर है एम ए फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से, इसको इसको बराबर कीजिए कितना होगा, माइनस के एक्स बराबर है एम ए। यहां से हमको ए का मान निकालना है, तो ए को रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ए जोड़ कितना होगा, माइनस के एक्स बाय एम, बट के बाय एम कितना है, के बाय एम बराबर ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है ओमेगा, क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ए का वैल्यू पुट कीजिए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू इसका यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन थ्री। इतना समय आया, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि एसएसएम में रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है, फोर्स इतना है डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो फोर्स बराबर हर समानुपाती स्थिरांक होता है, माइनस के या के कांस्टेंट है, एफ बराबर एम ए, इक्वेशन वन और टू से करेंगे, दोनों वैल्यू पुट किए इतना आया। और हम जानते हैं कि ए क्या एक्सेलरेशन है, बट ए इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो डी ओमेगा बाय डी टी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो बट ओमेगा क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अभी ओमेगा वैल्यू आगे ए में पुट करते हैं, ये कितना होगा, डी बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी, तो क्या होगा इसका, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं। अब इक्वेशन वन और फोर को हम करें इक्वेशन फोर, और क्या माने इक्वेशन ए, हाँ इक्वेशन थ्री और फोर से हम पुट करेंगे कितना होगा, मैं अब यहाँ करते, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर से, इक्वेशन थ्री एंड फोर, इससे इससे तो ए का वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं कितना आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बराबर मै सॉरी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कि माइनस में इधर आए तो प्लस में हुआ, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो, यही इसका डिफरेंशियल फॉर्म है एसएचएम का। जो डिफरेंशियल फॉर्म है एसएचएम का फॉर्मूला यही होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। आशा करते समझ में आया होगा।